बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडीसी ने जो कैंसर का सेंटर खोलने का वादा किया था उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जगह जेडीसी ले चुकी है। मैंने कहा आपको एक अच्छी खबर बता दूं, कैंसर का सेंटर बन रहा है अली शेखानी साहब की वालदा मरहूमा के नाम पे, शमीम शेखानी कैंसर फ्री सेंटर बन रहा है जहां पे डायग्नोस्टिक भी होगी और दूसरे मरहले में हम रेडिएशन तक जा रहे हैं। अभी हमें स्टार्टिंग के अंदर हमने जगह ले ली है, बहुत महंगी जगह ली गई है, शहर के बीचों बीच जगह ली गई है, लेकिन अभी हमें उसके अंदर जो मेमोग्राफी है, पेट सिटी स्कैन है और उसके अलावा साइक्लोट्रॉन जो इसका रेडियो एक्टिव होता है, ये सब लगाने के लिए तकरीबन हमें इन तमाम चीज़ों के लिए $3.5 मिलियन की ज़रूरत है। हम भी कर रहे हैं, अली शेखानी साहब भी इसके अंदर शामिल हैं, आप लोग भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें, जब कोई मेमोग्राफी कराने जाता है ना और उसको अगर सरकारी अस्पताल जाता है, आपको पता है टाइम कितना लंबा मिलता है, अगर कहीं प्राइवेट से कराता है कहीं 20,000 कहीं 18,000 और उसके बाद अगर पेट स्कैन कराने जाता है तो 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, कहीं पर 1.25 लाख रुपए का हो रहा है, और अगर सरकारी अस्पताल जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने बाद का नंबर मिल रहा है और जब नंबर आता है तो मरीज इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं और जेडीसी ने जिस तरह गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं, पूरे पाकिस्तान में खोलते जा रहे हैं। अब जेडीसी ने जिस तरह खून की लेबॉरेटरी दुनिया की पहली रोड के ऊपर खोली, अरबों रुपए की मशीनें लगा के जहां खून के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं लोगों के, वो भी आपके सामने है। और जेडीसी इंशाल्लाह कैंसर के इस प्रोजेक्ट में अब आ चुकी है और पूरे पाकिस्तान भर में हम शमीम शेखानी फ्री कैंसर सेंटर लाते जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, अपनी जानब से, अपने मरूमिन की जानब से अपनी ज़कात खैरात इमदाद या किसी भी तरह का डोनेशन देकर इस प्रोजेक्ट में आपने अपना हिस्सा डालें ताकि लोगों की जान छुड़वाएं जो कैंसर जैसे मौजी मर्ज में फंस चुके हैं।